और आप डर ढोड़िया दिखा देते हो, पेड़ दिखा देते हो, सारी बात यहाँ ढोंग यहाँ से चालू होती है। बताइए, जो बोलते हो कि हम नॉर्थ से हैं, हम सभ्यता संस्कार के लिए पहचाने जाते हैं, तो आप स्ट्रगल तो कर नहीं रहे होगा। आपको रूम का भाड़ा देना है तो कोई भी कुछ भी फिल्म कर लो, आपको घर में राशन भरवाना है कोई भी फिल्म कर लो। जी नमस्कार, इस समय हमारे बीच में अभय प्रताप सिंह और मैं लहरे से। आपको लगता है जो एस्टेब्लिश्ड एक्टर है जैसे पवन केसारी, कल्लू जी है, चिंटू जी है, उनको इस तरह का कुछ चेंजेस लाना चाहिए इंडस्ट्री में? बिल्कुल लाना चाहिए, एक्टर ज्यादा आ गया है। बिल्कुल लाना चाहिए। देखिए, अभी मैं जितने भी एक्टर हैं सबके बारे में यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहली बात तो कॉन्टेंट अच्छा चुने, क्योंकि आप लोग अभी इस्टेब्लिश्ड हो चुके हो, लोग जानते हैं और आपको फॉलो करते हैं, आपके अच्छे फॉलोअर हैं। जब आपके फॉलोअर अच्छे हैं तो आप अगर अच्छी चीज़ें लाएंगे तो वो लोग देखने के लिए जाएंगे। अगर वो देखने के लिए जाएंगे उनको समझ में आएगा, अरे यार अब तो फिल्में बड़ी साफ सुथरी है, ये तो मेरी फैमिली भी देख सकती है, ये मेरे बच्चे भी देख सकते हैं, तो ऐसे करके वो अपनी फैमिली भी थिएटर तक लेकर जाना चालू कर देंगे। बहुत सारी चीज़ चेंज हो सकती है। जो अच्छे स्टार्स हैं, जो अच्छा कर रहे हैं, उनको अच्छी फिल्म चूज करनी चाहिए और अच्छा बनाना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी आप काम कर ही रहे हो तो आप स्ट्रगल तो कर नहीं रहे हो। आपको रूम का भाड़ा देना है तो कोई भी कुछ भी फिल्म कर लो, आपको घर में राशन भरवाना है कोई भी फिल्म कर लो। अरे यार, जब आप BMW चल रहे हो, अच्छी गाड़ी चल रहे हो, अच्छा घर आपके पास है, चूज करिए ना। बताइए, जो बोलते हो कि हम नॉर्थ से हैं, हम सभ्यता संस्कार के लिए पहचाने जाते हैं, तो गानों में और फिल्मों में सभ्यता संस्कार दिखाइए गुरु। सिर्फ बातों से नहीं होता कि अरे आइए हमारी माटी में, हमारी जननी में ये चीज़ें, नहीं तो उसमें भी दिखाइए ना। हमारे यहाँ पर्दा किया जाता है, घूंघट में पर्दा किया जाता है, पानी बहू आती है लेकर हमने रख के चली जाती है, मेहमान बैठे रहते हैं, चार लोग वहाँ पर कोई औरत नहीं रहती, घर के अंदर रहती है, बाहर के आ जाते हैं, और आप डर ढोड़िया दिखा देते हो, पेड़ दिखा देते हो, सारी बात यहाँ ढोंग यहाँ से चालू होती है ना। आप बॉडी से ही सारी चीज़ें एक्सपोज करने चाहते हो, ऐसा कहाँ है यार नॉर्थ का संस्कार। मेरे हिसाब से तो, मैं तो जहाँ से बिलोंग करता हूँ, नॉर्थ में ये सब नहीं है। हाँ, नॉर्थ में आज भी हम लोग अपनी भाभी को रंग लगाते हैं तो रंग लगाने के बाद पैर छूते हैं, पता नहीं गाना कहाँ से लगा, वो देवरा भभिया फलनवा ढिकनवा, यार मेरे यहाँ तो नहीं है नॉर्थ से। नॉर्थ में सब जगह नहीं है भाई, आपको कुछ जगहों में जहाँ हो तो वहाँ बता दो भैया हमारे यहाँ ये सब चलता है, पूरे नॉर्थ को मत बदनाम करिए, ये गलत है। तो अच्छी चीज़ें परोसिए ताकि अच्छा मैसेज समाज में जाए। नॉर्थ के लोग बहुत सभ्य और संस्कारी होते हैं और बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना जानते हैं, बहू बेटियों का सम्मान करना जानते हैं, तो वो आपके गानों में भी दिखना चाहिए। आप समझ रहे हैं, गाने सिर्फ वल्गर वर्ड डाल दिए, उसी से पूरा बोलते नहीं, हिट के चक्कर में पूरा संस्कार को मत खत्म करिए। हाँ, रिक्वेस्ट है आप लोगों से, बाकी आप लोग तो हमसे ज़्यादा ज्ञानी हो। अभय जी, बहुत अच्छा आंसर दिया आपने। लास्टली आपसे ये जानना चाहूँगा कि फिल्म जो है 30 तारीख को रिलीज़ होने वाली है, क्या प्लान्स है, कितने थिएटर्स में रिलीज़ किया जाने वाला है, और क्या कहना चाहेंगे ऑडियंस को, क्यों देखनी चाहिए फिल्म? देखिए, अभी तो मैं तो बहुत डरा डरसा हूँ, ये पूछते ही मेरे हाथ पैर मेरे कांपने लगे, और बात करते हो तो मेरा कॉन्फिडेंस अपने आप ही बढ़ जाता है बात करने में, लेकिन मेरी फिल्म की तो मैं डरा हूँ, मुझे आप लोग बचाओ, सीरियसली बता रहा हूँ मैं, मुझे कॉन्फिडेंस दीजिए आप लोग ताकि मैं लगातार फिल्में बनाता रहूँ। कि कई लोग आते हैं बोलते हैं बड़ी बड़ी फिल्में आ रही हैं इनकी, रणवीर सिंह की, शाहरुख कहाँ है यार तुम इस समय रिलीज़, अरे भैया क्यों ना रिलीज़ कर दें, हम भी तो मेकर हैं, हम भी तो यही करने आए हैं, हम डर के मारा भाग जाएं, ऐसे नहीं होता। बड़ी फिल्में आ रही हैं लेकिन हमारी बड़ी जनता है, बड़ी ऑडियंस है, ये जनता जिसको चाहेगी वो रातों रात बड़ा हो जाएगा। तो मैं खड़ा हूँ और जनता मुझे आशीर्वाद देगी, और मुझे किसी फिल्म से न डर पड़ी, ना किसी स्टार से पड़ी है, मैं अच्छी फिल्म बनाऊँ, साफ़ सुथरी फिल्म बनाऊँ, यू सर्टिफिकेट मिला है, जनता के सामने समर्पित हूँ मैं। बस आप लोगों को खूब प्यार चाहिए, ताकि जो लोग मुझे बोल रहे हैं ना बड़ी फिल्म के सामने नहीं आना चाहिए था, समझो बात को, उन लोगों को जवाब मिल जाना चाहिए, और करारा जवाब कौन देगा, आप दोगे। बस मैं और कुछ नहीं बोलूँगा, सारा कॉन्फिडेंस मेरा आप लोगों के ऊपर ही है, सारा कॉन्फिडेंस आप लोग ही हो। आप लोग का कॉन्फिडेंस मेरे ऊपर ना होता तो शायद मैं फिल्म बनाने का भी सोच पाता। सब कुछ जनता जनार्दन आप हो, जय हो, और 30 दिसंबर को देखिए 1.5 लाख का दूल्हा।